तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में शुक्रवार की रात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी गोरखपुर की पहली महिला गैंगस्टर सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान गीता तिवारी पत्नी स्वर्गीय शिव कुमार तिवारी निवासी सूर विहार कॉलोनी थाना तिवारीपुर और जस्सू जायसवाल पुत्र राजेश कुमार जायसवाल निवासी राप्ती नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि थाना तिवारीपुर पुलिस टीम द्वारा कुख्यात अपराधी जस्सू जायसवाल और महिला गैंगस्टर गीता तिवारी को डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों कहीं भागने की फिराक में थे। पुलिस ने जस्सू जायसवाल के पास से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। उन्होंने बताया कि महिला गैंगस्टर गीता तिवारी पत्नी स्वर्गीय शिव कुमार तिवारी चोरी और कई मामलों में पहले भी जेल जा चुकी हैं। गीता 20 अक्टूबर को जमानत पर रिहा होकर घर आई हैं और इसी बीच शुक्रवार को उनके घर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। हंगामे के दौरान दो लोगों को गोली भी लगी थी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि फरार चल रहे शेष अभियुक्तों में भी टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुलासे के दौरान सीओ कोतवाली बीपी सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, मन नहीं कर रहा है क्या? खींच लीजिए, इसको बड़ा बड़ा डाल दीजिएगा। ये जैसा कि आप सबको विदित है, 30/10 की रात में गुलरिया पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि गोली लगे दो घायल मजरू बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं। उसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि तिवारीपुर के सूर्य विहार कॉलोनी के आसपास में ये घटना हुई। इसी घटना में जो नामजद अभियुक्त हैं, कुल इसमें चार नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से दो की गिरफ्तारी पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए कर ली है। अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध इनाम भी घोषित किया गया, उनके पीछे भी टीम लगाई गई है। इसी क्रम में आज पूर्व आपराधिक इतिहास वाले दो लोग गीता तिवारी और जस्सू जायसवाल, जिनके ऊपर गोरखपुर के विभिन्न थानों में कई आपराधिक इतिहास हैं जिसमें गैंगस्टर तक के मुकदमे हैं, उन्हें आज इसी क्रम में जेल भेजा जा रहा है और इनसे एक अवैध शस्त्र की भी बरामदगी हुई है और बाकी के जो लोग इसमें अभी बचे हुए हैं उनको इनाम घोषित करके उनके पीछे टीमें लगाई। जानकारी जितनी अभी तक प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि गीता तिवारी के ही किसी रिश्ते में इनकी नतिनी लगी, उसका बर्थडे का कार्यक्रम था जिसमें कई आपराधिक इतिहास वाले लोग शिरकत किए थे और उसी में किसी कारणवश इनके बीच में ये गोली चली है। जैसे इसमें मेन अभियुक्त हमारे गिरफ्त में आएंगे उसके बाद और स्थिति स्पष्ट होने के बाद आपको अवगत कराएंगे। ये आपराधिक इतिहास इनके अगर आप देखेंगे प्रेस नोट में डाल के आपको दिया गया है, 6 मुकदमे हैं इनके, 6 मुकदमों में काफ़ी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं और सबसे गंभीर इसमें गैंगस्टर जैसे मुकदमे भी इनके ऊपर पंजीकृत हैं। और जैसा कि अभी तक की जाँच में निकल कर आया है कि इसी महीने कुछ दिन पहले ये जेल से जमानत में गैंगस्टर में बाहर आई थी और उसके बाद इस प्रकार का एक ये कृत्य सामने आया, इस पर पुलिस ने मजबूती से कार्रवाई करते हुए इन्हें वापस जेल भेजा, जिसमें दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, जस्सू जायसवाल हैं, गीता तिवारी। जस्सू जायसवाल के ऊपर भी कई मुकदमे हैं, इनके ऊपर और अधिक गंभीर मुकदमे हैं। अभी तक 12 मुकदमे निकल कर आए हैं, इसमें हत्या, लूट तथा गैंगस्टर जैसे गंभीर मुकदमे हैं इनके ऊपर और वापस इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके पास एक अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है जिसके ऊपर भी इनको लेकर कार्रवाई की जाए। इनका अगर आपराधिक इतिहास देखा जाए तो 2019 और 2020 के अपराध इनके ऊपर अभी तक प्राप्त हुए हैं, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि कई अपराधियों को ये उसके पहले से भी संरक्षण देती आई हैं और कई अपराधियों से इनके जान पहचान और इनकी बातें हैं। तो ऐसा है कि अपराध तिवारीपुर पुलिस अनभिज्ञ इसलिए रही क्योंकि इनके बीच में इन्होंने इस तरह से इसको निपटाने का प्रयास किया था, मगर पुलिस ने जैसे इसमें सूचना प्राप्त की पुलिस ने बड़ी त्वरित तरह से कार्रवाई की। इन्होंने ना तो 112 पे कोई सूचना भेजी ना थाने सूचना भेजी
इसमें अभियुक्त और इस जिस मजरूब जो है जिनको गोली लगी है उनके ऊपर भी आपराधिक इतिहास निकल के आ रहा है जिसकी जांच की जा रही है। तो इसमें गोली लगने वाला भी अपराधी है, गोली चलाने वाले भी अपराधी हैं। इनको गोली लगी है, इसमें दो मजरूब थे, एक हैं हमारे नितेश सिंह जिनके पिता इसमें वादी हैं जिनके, और उनके साथ उनका एक मित्र था मोहम्मद आलम आमिर, मोहम्मद आमिर थे इनके साथ एक, इन दोनों को लगी है, एक के पीठ में गोली लगी है, एक के पैर में लगी है, दोनों का इलाज चल रहा है। वर्तमान में दोनों की स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है।